हाँ जी, कैसे हैं आप लोग? और सब हाल चाल बढ़िया? थंबनेल देख के समझ गए होंगे आज ये सब मैं विजिट करने वाला, और मैंने कर लिया जो कि आपका। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बरोबर नमस्ते, चलो भाई, मैं हूँ आपका नैनी भाई। अभी मैं जा रहा हूँ आपका इंडियन हाउस ऑफ कोलकाता, आपका ठीक प्लास्टिक में हूँ अभी। चलिए जाते हैं अंदर और करते हैं विजिट इंडियन कॉफी हाउस को। आपका देश आजाद नहीं होने का कभी आगे का कैफे। चलिए और दिखाते हैं सब कुछ भीतर से, अंदर से अच्छे से। हाँ जी, मैं आके बैठ चुका आपका इंडियन कॉफी हाउस में। ये आपका 100 साल से भी पुराना है भाई, 105-6 ईयर ओल्ड हो गया। देश तभी आज़ाद भी नहीं हुआ भाई, हमारा देश महान तभी आज़ाद भी नहीं हुआ, तब का ये कैफे देख लीजिए एक बार। तब का एक कैफे, पेंटिंग वगैरह, फैन, जितना भी सब कुछ है, सब कुछ तभी का है, अब का नहीं है भाई। ऐसे सिर्फ पेंटिंग किया जाता है, ऊपर ऊपर से उतना कुछ रेनोवेशन भी नहीं करते। हाल फिलहाल हुई, अभी मैं तो बैठ गया। अभी मैंने क्या ऑर्डर किया मैं आपको दिखा देता हूँ। चलिए देख लीजिए एक बार मेन्यू में, इंडियन हाउस कॉफ़ी। मैंने एक इधर से किया आपका हॉट कॉफ़ी, एक कोल्ड कॉफ़ी विथ आइसक्रीम 70, और इधर में आपका हॉट कॉफ़ी 34। सब चीज़ का भाई इतना दाम कम है। और एक किया मैं चिकन अफगानी 125 रुपया, और आपका एक मैंने किया फिश कबीराजी 120, इधर का फेमस बोला जाता है। और मैं मिक्स आपका चाउमीन हक्का 170। ये सब फिलहाल मैंने किया है 5 चीज। ये भाई इधर में आके भी एक दूसरा ही अलग ही मजा लग रहा है भाई, इधर में आके एक दूसरा, और पीछे में बारिश होते हुए वही मजा है भाई। जो भी हो, अभी हाल फिलहाल ऑर्डर तो कर दिया, अभी आने दीजिए, खाना दिखाता हूँ आप लोग। थोड़ा इधर का व्यू देखिए, सिनेमेटिक तो नहीं होगा, व्यू थोड़ा देखिए, इंजॉय कीजिए। चलिए खाना बन के आने दीजिए, कंटिन्यू करते हैं वीडियो को। अच्छा लगा आपका लोग का भाई, जो पोशाक है ना वेटर लोगों का भाई, एकदम ओल्ड स्कूल है, एकदम ओल्ड स्कूल, पूरा पुराना जमाने का, पूरा देख के ही लग रहा है कि भाई ओल्ड स्कूल मित्र आती बाइक पर ही है। देखिए हाँ जी, इसी के साथ आ चुका है हमारा खाना। ये आपका फिश कबीराजी, आपका चिकन अफगानी, मिक्स चाउमीन। देख लीजिए मात्रा काफ़ी ज़्यादा है दाम के हिसाब से, अभी देखते हैं टेस्ट कैसा है और क्वालिटी कैसा है। क्वांटिटी तो सही लगा, चलिए अभी टेस्ट करके बताते हैं। कबीराजी, कबीराजी नाम इसलिए वो मत समझिए कि कोई दवाई है, बंगाली लोगों का दवाई है मछली, और दूसरा बात है। तो मछली का जो सेंट करता है वो वाला इस चीज़ में आ नहीं रहा है, जो मछली का सेंट रहता है वो सब चीज़ में नहीं है। ऊपर का जो लेयर है, प्रोटीन सब जो किया हुआ है ऊपर का, वो क्या चीज़ से किया, प्याज से, बेसन, प्याज और कुछ कुछ मिला के कोटिंग किया हुआ है, इसलिए काफ़ी ज़्यादा निखार आ रहा है खाने में, और सब कुछ एकदम स्वाद अनुसार है। सबका बहुत काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, हाथ से काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, प्राइस लिस्ट के हिसाब से अच्छा है। चलिए जी अभी ट्राई करते हैं आपका चिकन अफगानी, निखार बहुत ज़्यादा हद से अच्छा आ रहा है, और जो मसाला डाला गया हुआ है शायद से लगता है स्पाइसी होगा, वो टेस्ट करने के बाद पता चलेगा। देखने में मछली का पेटी जो होता है उसका जैसा लग रहा है, लेकिन ये है चिकन। भाई पूरा ऑपोजिट हो गया, मैं बोल रहा था झाला होगा, लेकिन मीठा 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 लग रहा है, पूरा स्वीट है। हनी चिकन जैसे मैं टेस्ट करता हूँ, हनी चिकन चिकन जैसा लग रहा है,
हाँ स्पाइसी भी है, चबाने के बाद जैसे जा रहा है बाद में स्पाइसी लग रहा है, आगे में स्पाइसी नहीं लग रहा है। मसाला का काफ़ी ज़्यादा यूज़ हुआ है खाने में, इसके वजह से ख़राब नहीं है पर इट्स नॉट हेल्दी, ये हेल्दी नहीं है मैं उतना बोलूँगा, खाना बहुत अच्छा है। दाम भी सबसे सही है, ये ना एवरेज वो डिजर्व करता है। बिना किसी टाइम वेस्ट किए हुए चाउमीन को टेस्ट करते हैं और कॉफ़ी आने के बाद बोलेंगे, चलिए चाउमीन को टेस्ट करते हैं। हाँ जी अभी टेस्ट करते हैं आपका मिक्स चाउमीन। देन चाउमीन का मात्रा काफ़ी ज़्यादा हद से ठीक है, ठीक ही लग रहा है दाम के प्राइस रेंज के हिसाब से ठीक ही है। चलिए अभी टेस्ट करते हैं और बताते हैं। एवरेज है, इतना वो वाला फीलिंग नहीं है, पर आप लोग अगर आ रहे हैं इधर में आप लोग जरूर से ट्राई कीजिए चिकन कबीरा, सॉरी फिश कबीरा जी और ये चिकन अफगानी जरूर ट्राई कीजिए। वैसे साथ आ चुका है हमारा कोल्ड कॉफी में भैया लेके, चलिए इसे भी अभी ट्राई करते हैं। एकदम हैंड में जैसा रहता है ना, घर में जैसे कॉफी बना सब रहता है पूरा वैसा लग रहा है, उबा हुआ ऐसे एक टेस्ट आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है घर में जैसे बनाता है, दूसरा चीज का कुछ साइड ऐड नहीं किया, बहुत अच्छा लग रहा है खाने में, मतलब पूरा नॉर्मली जैसे घर में अगर जुगाड़ करके जो बनाते हैं वैसा टाइप ही लग रहा है, नॉर्मली चीज का लगे कुछ दूसरा एक्स्ट्रा चीज डाला नहीं गया है। और चिकन का मैं जो बोलूँगा ये टेस्ट जो है ठीक ठाक था, एवरेज है, उतना हाई भी नहीं लो भी नहीं, ठीक है ठीक है। अभी हाल फिलहाल चलिए सब खत्म करते हैं, खत्म करके करेंगे स्टार्ट वीडियो को, जब आपका बिल दूंगा। ऑन एवरेज ये एवरेज है, इसका भाई 10 out of 8 डिजर्व करता है, 10 out of 10 डिजर्व करता है, कॉफी तो डिजर्व करता ही है, पूरा अच्छा क्वालिटी का है सही। चलिए अभी करते हैं खत्म, खत्म करके स्टार्ट करेंगे वीडियो को खत्म कर, चलिए। तो हाँ जी खाना पीना हो चुका है मेरा डन, सब कुछ सही स्वाद अनुसार था, बस कबीरा जी में ऑयल ही बहुत है और आपका जो चिकन अफगानी है उसमें बहुत मसाला का यूज़ है, सब कुछ लगभग ठीक है, स्वाद अनुसार है, ठीक ठाक है। अगर लंच के हिसाब से आ रहे हो तो बताइए, अगर आप टिफिन टाइम के टाइम पे या फिर मतलब शाम का जो टाइम होता है उस टाइम पे आना है तो आइए हैंग आउट करने के लिए, और सुबह का टाइम में ब्रेकफास्ट के लिए भी सही रहेगा। सो ही तो मेरा जितना ऑनेस्ट रिव्यू था वही मैंने दिया, सो यहाँ तक तो आपने देख लिया, तो चलिए अभी सब्सक्राइब उसका कर लीजिए। अभी चलेंगे और एक कैफे में, वो भी आपका लगभग 100 साल से पुराना है, विंटेज है, चलिए वो भी एक अभी करते हैं और इधर से आपका निकलते हैं। और इधर में बिल हुआ आपका 589 मतलब 590 समझ लीजिए, 600 रुपया के आसपास। सोई तो चलिए चलते हैं अभी नेक्स्ट कैफे के और मित्रा कैफे शोभा बाजार में, चलिए। हाँ दीदी देख लीजिए निकल गया मैं, ये आपका कॉलेज स्ट्रीट है, आपका फेमस मतलब इधर ये जगह है मेनली बुक के लिए, बुक वगैरह के लिए, और ये भी मेनली बहुत फेमस था जहाँ मैं था, इंडियन कैफे हाउस। सो बहुत पुराना था, आप लोग गूगल करके भी देख सकते हैं कितना पुराना है ये। और अभी मैं जा रहा हूँ आपका नेक्स्ट लोकेशन आपका शोभा बाजार, ये देख लिए हरी स्कूल बोल के होगा, गवर्नमेंट वेस्ट बंगाल, इसके सामने ही होगा आपका ठीक, ये इंडियन हाउस कैफे, नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा हर एक चीज़ लोकेशन में। सो वही तो चलिए अभी चलते हैं नेक्स्ट लोकेशन की ओर, मेट्रो स्टेशन चलते हैं, मेट्रो स्टेशन चल के बाद में आपका टिकट काट लेते हैं आपका ये का शोभा बाजार, और उधर से बाद में कंटिन्यू करते हैं मेट्रो स्टेशन में जाके वीडियो को। सहा जी ये देखिए बैठ चुके हैं टांगे में, इन तो उठ नहीं है पांगा, ये दुनिया करे तमाशा तो मैं बैठ गया इन टांगा, कैसा लग रहा है टांगा में बैठ के, टांगा में बैठ के पूरा चांगा लग रहा है चांगा। जी आके पहुंच चुके हैं आपके सेंट्रल मेट्रो स्टेशन के एकदम ठीक सामने, ट्रेन मेट्रो अभी तक आया नहीं, सो मेट्रो आके आने के बाद कंटिन्यू करेंगे सीधा जाके आपका शोभा बाजार के सामने कंटिन्यू करेंगे वीडियो को, जुड़े रहेगा इंडियन जर्नी में।
मैं आकर पहुंच चुका आपका मित्रा कैफे में, ठीक मेरे पीछे में ही है और उनके ठीक अपोजिट साइड में क्रॉस होके आपको मिल जाएगा, देख लीजिए पेट्रोल पंप रहेगा, फाल पेट्रोल पंप के ठीक अपोजिट में ही रहेगा मित्रा कैफे, वो वाला है। तो चलते हैं मित्रा कैफे के अंदर और घुस के वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। सो हाँ जी, मैं आकर बैठ चुका आपका मित्रा कैफे में। ये आपका 114-14-15 साल पुराना होगा, कम से कम आपका 1910 में खुला है, तो आपको हिसाब लगा लीजिएगा, मेरे हिसाब से 113-14 साल हुआ। सो इट और देख लीजिए कितना पुराना है, इसको अभी तक भी मेंटेन, वेल मेंटेन, वेल मेंटेन है जिसे बोला जाता है, वेल मेंटेन। सो ये दिख लीजिएगा, थोड़ा सिनेमेटिक नहीं है, थोड़ा बहुत अच्छा रहेगा उसमें, देख लीजिएगा। तो चलिए अभी बिना किसी देरी किए हुए देखते हैं आपका मेन्यू और मेन्यू में क्या है क्या नहीं, आप लोग को बताते हैं, शेयर करते हैं आप लोगों से हर एक चीज़ विद डिटेल्स। सो हाँ जी, देख लीजिए मेन्यू, आपका मेन्यू में क्या क्या है और क्या नहीं, एक बार देख लीजिए, चेक कर लीजिए पॉज करके एक बार वीडियो को। दाम है भी और नहीं भी उतना ठीक है, हाई रेट भी है लो रेट भी है, लो बजट में भी। चलिए मैं फिश गोल्डन आपका फ्राई या फिर फिश डायमंड फ्राई है, गोल्डन फ्राई जो ही जो भी हो, देखते हुए तो साइज में भाई बहुत बड़ा है और ठीक ही लग रहा है क्वान्टिटी के हिसाब से। चलिए तो काट के टेस्ट करके देखते हैं कैसा है टेस्ट और कैसा है क्वालिटी, कैसा है टेस्ट, लेते हैं रिव्यू। टेस्ट में भाई कुछ ट्रेडिशनल टाइप पूरा लग रहा है, मतलब इस जगह में भी खाया और इधर में मैं चिकन कबीराजी और यही फेमस है कबीराजी, तो उसका ट्राई कर दिया था, मैं सोचा इधर में एक और ज़्यादा कुछ तो है नहीं, मेरे में सब नॉर्मल सब कुछ है, वही तो यही और किया। और वैसे भी दूसरे लोकेशन में भी अभी अगर जाऊँगा तो उधर में भी खाना होगा, और क्रंचीनेस भाई पूरा भरपूर है चीज़ में, पूरा क्रंचीनेस जो है मछली के साथ, जो कुरकुरे चिप्स होता है कुरकुरे चिप्स खाने से जैसा लगता है तो ऐसा ही है, बॉयज आलू भी दिया गया है। एवरेज भी बोलूँगा तो इसमें वाव वाला फीलिंग है पर उतना भी नहीं, टेस्ट में मुझे पूरा ओरिजिनल जो रहता है ना फिश का एकदम फ्रेश, पूरा फ्रेश और जो कुरकुरी का एकदम जैसे कुरकुरी खाने से ऐसा क्रंची नहीं ऐसा ना, वो देखिए मिस मत कीजिए ये भी प्लेस, अगर आप कोलकाता विजिट कर रहे हैं तो ये प्लेस भी आप लोग अपने लिस्ट में रखिएगा। जरूर आएंगे कैफे में तो ये खत्म करके वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जुड़े रहे इंडियन जर्नी में। जी खाना पीना हो चुका है मेरा, खाना पीना कर लिया मैंने, डन हो गया, और आपका जो बिल होता है बिल एक बार चेक कर लीजिए, बिल कितना हुआ, बिल हुआ आपका 221 रुपया आपका बिल हुआ। देते हैं बिल, बिल दे के निकलते हैं बाहर और करते हैं वीडियो को एंड। हाँ जी, मैं आ चुका आपका मेट्रो स्टेशन में और वीडियो को लंबा नहीं करेंगे, और यहाँ तक अगर आप लोगों ने वीडियो को देख लिया, आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और जो लाल रंग का सब्सक्राइब बटन देख रहे हैं उसको दबा के जूता मारिए, जो बार में मारिए दबा के बन जाइए इंडियन चैनल का हिस्सा, और तब तक के लिए आप लोगों से मिलते हैं अगले एक नए ब्लॉग, अगले एक नए लोकेशन और अगले एक सब कुछ नए में। सो चलिए मिलते हैं अगले एक नए ब्लॉग में, बाय।